गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्राकृतिक की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप पर्यावरण की दुनिया में जी रहे हैं, उसी तरह से आपको बताना चाहता हूं कि आप पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सबको शुद्ध वातावरण में जीना है। तो आप ख्याल कर दीजिए कि पेड़ पौधे लगाना ही होगा। तो पेड़ है तो जीवन है, जल है तो कल है, आपने सुना ही होगा। तो आओ मिलकर देश के कोने कोने में पेड़ पौधे लगाया जाए। जीवन अनमोल रत्न है, पेड़ पौधे लगाइए, देश को खुशनुमा बनाइए। आप भी खुश रहिए, परिवार और देश को भी खुश बढ़ा सकते हैं। तो देश की इन परंपरा को लेते हुए आप जिस तरह से आज पर्यावरण की दुनिया में हम आपको सुबह सुबह जगाने आता हूं, और आप समझ सकते हैं कि आज मौसम किस तरह है। सुहाना मौसम है, कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं बारिश है, कहीं सूखा है, यह सब देखने को मिल रहा है। आप अपने जीवन की हर उमंगता के लिए आप पेड़ पौधे के बारे में, सुंदरता के बारे में सोचिए। धरती माँ अपनी है, मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आकाश पाताल सब कुछ आज स्वच्छ है, सुंदर दिखाई दे रहा है, वहीं पर पेड़ पौधे भी सावन के महीने में जिस तरह से आप देख सकते हैं, हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो आइए हम सब आकाश पाताल और धरती माँ को अच्छी तरह से सुंदर बनाएं और जीवन को एक खुशहाली दें। मौसम आप देख रहे हैं, तो सुहाने सफ़र में सुबह उठिए और पेड़ पौधे लगाइए और पार्कों में जाइए, योगा कीजिए और अपने शरीर को तरोताज़ा करते हुए रंग बिरंगे हरियाली के साथ लोगों से स्नेह प्यार का संगम निखार लाएं। हम सभी को आज शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी सोच बदलना होगा, अपनी हर चीज़ बदलना होगा। तो आकाश के स्वच्छता के बारे में सोचिए, और मेरा स्वस्थ होना और आपका स्वस्थ होना, परिवार का स्वस्थ होना, यह सब एक बहुत बड़ा जो है विषय है। और इस विषय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप स्वस्थ सुंदर रहेंगे, आपके शरीर अच्छा रहेगा, तो सब कुछ पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भर है। तो आइए हम सब बढ़ चढ़ कर इस हरियाली को आगे बढ़ाएं और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। 15 अगस्त आ रहा है, इस जश्न में मेरा देश मेरा हित की बात करें तो सबसे पहले मेरा विश्व एक परिवार है, दोस्त है। जिस तरह से आज जो है हम सब एक विश्व को फैमिली मानते हैं और विश्व को एक अपना मानते हैं, उसी उद्देश्य के साथ सभी लोग, विश्व के भी लोग भी मिलकर पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है और प्रदूषण को हटाने की ज़रूरत है। तो प्रदूषण के लेकर आप चिंतित रहिए और जो है अपने आसपास प्रदूषण न जमा होने दें। कूड़ा करकट साफ सफाई विशेष तौर से रखें और सुहाना सफ़र, सुहाना हरियाली के साथ प्यार संगम हम सभी को आज जिस तरह से देखने को मिल रहा है, स्वस्थ जीवन बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ होने के लिए आप पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि आपने सुना है जीवन है तो सब कुछ अनमोल है, और पेड़ है तो जीवन है, जल है तो कल है। अगर हवा पानी शुद्ध आपको मिल रहा है तो सोच लीजिए कि आपको बहुत बड़ा उपकार भगवान कर रहे हैं। और इसके लिए आओ मिलकर भारत की धरती को स्वर्ग बनाएंगे, देश में हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है कि पेड़ पौधे लगाएं, धरती माता को हरियाली में छाएं? पेड़ पौधे लगाना हम सबके मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पेड़ पौधे लगाने का देश अपना है, इस धरती पे कण कण में भारत माता की विराज मान सकती है। हरियाली की छाया में हम सब मिलकर प्राकृतिक को साफ सुंदर और बनाने के लिए आकाश पाताल धरती की एक एक कण स्वच्छ बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है और उसी के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो धरती माता को आप स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले आप कर्तव्य होइए, और ये सब कुछ बनाने के लिए आप कण कण की मिट्टी, बलिदानों की मिट्टी है, इसकी हमेशा तिलक करो। धरती है शहीदों की, आज धरती मांग रहा है आपका सहयोग, जो कि पेड़ पौधे लगाने के लिए सबसे पहले आप प्राकृति को सजाने का सुंदर कार्य करें और आगे बढ़ने का आप सभी लोग आज से संकल्प लीजिए कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, भारत माता जगत जननी की धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, देश को सुंदर बनाएंगे। आप पेड़ लगाइए, देश को बचाइए और स्वस्थ सुंदर रहिए, और अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।